हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पुराने टी शर्ट से बहुत ही कमाल की जिस जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे तो इस तरीके से अगर आपके पास में घर में पुराने टी शर्ट या फिर कहीं से कट फट गई है तो वो टी शर्ट लेकर आप इस तरीके के कैपरी डिज़ाइन है वो घर पे ही तैयार कर सकते हैं सिर्फ़ एक कट लगाकर बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कैप्री का डिज़ाइंस अगर आपके पास में छोटी टी शर्ट है तो आप छोटे बच्चों के लिए कैप्री डिज़ाइन बना सकते हो अगर गायश आपके पास में बड़े टी शर्ट है तो आप बड़े बड़ों के लिए इस तरीके के कैप्री के डिज़ाइंस है वो घर पर बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं तो ये देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने पुराने टी शर्ट लिया है ये देखो यहाँ से थोड़ी सी कट फट गई है तो कोई काम में नहीं आ रही है तो मैंने सोचा इसको कुछ काम में ले लेते हैं तो यहाँ पे मैंने इस तरीक़े को यहाँ से इसको फोल्ड कर लिया है देखो इस तरीके से हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में जितनी बड़ी हमें कैपरी तैयार करनी है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे तो गैश आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें आपको वीडियो में एंड तक अच्छे से कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग है वो पूरी डिटेल से मैं बताऊंगी तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ से मैंने इसको काट लिया है काटने के बाद में हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे और कहाँ पे इसकी सिलाई लगाएंगे देखो जहाँ से मैंने इस तरीके से ये बाजू है यहाँ से हम इसको सी लेंगे और इसके ऊपर हम अगर आपको इलास्टिक वाले कैपरी पसंद है तो आप इसके ऊपर फोल्डिंग करके आप इलास्टिक डाल सकते हो अगर आपको इलास्टिक नहीं डालना है तो आप इसके अंदर डोरी भी डाल सकते हो तो यहाँ से मैंने इसको सील लिया है अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखना आपको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरीके से इसका सुंदर सा डिज़ाइन सा वो बना है बट उससे पहले यहाँ से हम इसकी फ़ोल्डिंग जो नीचे की साइड थी टी शर्ट की यहाँ से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे जितना हम चौड़ा इलास्टिक डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करने के बाद में हम इसके ऊपर अच्छे से दोस्तों एक सिलाई स्टिचिंग है वो लगाएंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी दोस्तों के पास में ये न्यू आइडिया है वो पहुँच सके और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरी सिलाई है वो स्टिचिंग कर ली है अब यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इलास्टिक है वो डालना है तो इस सिलाई को यहाँ से खोलेंगे और इसके अंदर से हमें इलास्टिक को कवर करना है तो यहाँ से देखो दोस्तों अच्छे से यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है मैंने जो सिलाई थी वो खोल लिया है और इसके अंदर हम इलास्टिक को कवर करेंगे सेफ्टी पिन की सहायता से तो चलिए हम इलास्टिक डाल लेते हैं जितना आपको टाइट अकॉर्डिंग जैसे आपको कैपरी का ऊपर से टाइट कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से नाप लेके और इलास्टिक को कवर कर सकते हो तो यहाँ से देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने इलास्टिक को निकाल लिया है और अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को जॉइंट करते हुए दोनों को रख लिया है और अब इसके ऊपर हम अच्छे से स्लाइसिस को स्टिचिंग कर देंगे तो सिलाई करने के बाद में इसको देखो कैसे एक सिलाई और लगानी है अब हम इसको खींचते हुए अंदर की ओर करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा फैलाते हुए इसके अंदर ये सलवटें आ जाएगी और अब हमें जैसे सलवटें आई है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको खींचते हुए और सिलाई से हम इसको कवर करेंगे कैसे सिलाई करनी है देखो ऐसे बीच के अंदर हमें इसको रखना है और सिलाई से हमें इसको कवर है वो करना है धीरे धीरे इसको कवर करते जाएंगे तो मैंने सील लिया है दोस्तों अब आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ कि एक कैपरिक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा लगेगा बिल्कुल ही कम समय में हम छोटे बच्चों के लिए बड़ों के लिए इस तरीके के कैपरिक के डिज़ाइन घर पर तैयार कर सकते हैं तो ये देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है तो गई आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें एक कॉमेंट में ज़रूर बताएँ और आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और आगे जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप डिज़ाइन में हर रोज़ नए नए डिज़ाइन के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए